ये मतलब सांप की है, जो ऊपर का डेड लेयर होता है वो मतलब पुराना वाला निकाल देता है, जब उस पे ऊपर नया वाला आ जाता है तो वो कुछ ऐसी टाइप का करते हैं। हेलो गाइस, तो वेलकम टू यू इन पोरबंदर। ये देखो पीछे भाई, ये है हमारा प्यारा सा पोरबंदर और अभी बजे सुबह के 6। एक्चुअली में मैं 5:30 बजे पहुंच गया था और मैं आपको एक सरप्राइज दिखाता हूँ, जो कि हमने आपको एक गाड़ी दिखाई थी, हमने अहमदाबाद से परचेस की थी एसेंट ह्यूंडई की। दोस्तों गाइस ये देखो पीछे देखो भाई, ये वही वाली गाड़ी है, नंबर चेक करो, GJ27C। आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, GJ27C 2743 जो हमने अहमदाबाद से परचेस की थी, ये वही वाली गाड़ी है। क्योंकि ये गाड़ी जिसके लिए परचेस की थी वो एक्चुअली में यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर है, तो उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये लाई है, तो इधर खड़ी करी है। फिर अभी पापा मुझे लेने आ रहे हैं घर से, तो भाई जल्दी से चलता हूँ और मैं आपसे सीधा मिलूँगा घर पर, ठीक है? तो वीडियो में बने रहो, हम पहुँच चुके हैं पोरबंदर। तो गुजराती, हिंदी और शादी स्पेशल सारे मिक्सअप व्लॉग आएंगे और थोड़ा लेट भी हो जाएगा अपलोड करने में, क्योंकि मेरे पास वाईफाई नहीं है, ठीक है? तो वीडियो में बने रहो, मैं वीडियो थोड़ी देर स्टॉप करता हूँ। 6.5 hours later सो भाई लोग, अभी बजे मॉर्निंग के 9 और ये देखो पीछे भाई सनराइज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा आई थिंक। बाकी अभी मैंने आपको बोला था घर जाके अभी हम हेयर कट करवाने वाले हैं, तो मैं आ चुका हूँ हेयर कटिंग वगैरह करवाने के लिए अपने। और अभी फिलहाल तो शॉप ऑफ है, मतलब शॉप अभी क्लोज है, अभी मैंने कॉल किया था 10-15 मिनट में ही वो बंदा आएगा, जैसे ही बंदा आता है हम अपने हेयर कट करवा लेते हैं, ठीक है? फिर नहा धो के फ्रेश होके हमें शादी में भी जाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था शादी सीजन है, मेरे घर पे शादी है, तो हम शादी भी अटेंड करेंगे, उसके भी कुछ लोग जाएंगे, तो वो भी मैं आपको जो भी होगा वीडियो में इंक्लूड करके आपको रिवील कर दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है? तो वीडियो में बने रहो, मैं आपसे मिलता हूँ सीधा हेयर कटिंग करवा के। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. आंदोलन पे उतर चुके हैं ये देखो भाई, इन लोग कहाँ पोलो कहाँ मैं टाटा हैरियर भाई, कोई भी गाड़ी नहीं, अभी तो पैदल जा रहे हैं, गर्मी गर्मी हो चुके हैं, ये देखो ऑल व्हाइट भाई, ऑल व्हाइट हमारा ड्रेस कोड आज का। रानी भी नहीं है, रानी भी नहीं है, बीच भी नहीं है, दो दो गाड़ी होके भी हम खजल हो गए भाई, बिंदास जा रहे हैं, विकास रोड पे बिंदास जा रहे हैं, कोई भी नहीं चल, बाप का रोड समझ के चलते भाई। तो भाई लोग अभी हम आए अपने रिलेटिव के घर, जिसने वो मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी ह्यूंडई की एसेंट गाड़ी, वो जिसने ली थी हम उसके घर पे अभी। और ये देखो भाई एकदम नेचुरल झूला है, ये जो ट्रक का टायर आता है पीछे का उसका झूला बनाया हुआ है, और ऊपर जो आपको दिख रहा होगा ऊपर रोप से टांगा हुआ है, तो मैं इस पर अभी झूल रहा हूँ। फिलहाल अभी हम जाएंगे खेत पे, मतलब जो ऑनियन वगैरह आता है, कांदा वगैरह जिसको आप बोलते हो हिंदी में, उसमें हम पानी डालने जाएंगे, फिर शाम को फिर से शादी अटेंड करेंगे। एक शादी तो हमने अटेंड कर दी है, अभी हमारे जो कज़िन है उसकी शादी है, तो 2 दिन तक उसकी शादी हम इंजॉय करेंगे, उसके भी व्लॉग आएंगे। तो आई थिंक अपलोड करने में थोड़ा बहुत हमें दिक्कत वगैरह होगा, प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, लेकिन ऐसे भी करके अपलोड कर देंगे टाइम मिलते ही, तो वो भी आप व्लॉग्स देखना, इंजॉय करना। कोई कोई हिंदी में आएंगे, कोई कोई गुजराती में आएंगे, बाकी वेडिंग स्पेशल व्लॉग्स भी आएंगे, वो मैं आपको जैसे ही शूट हो जाएगा अपलोड भी कर दूंगा एडिट करके। तो बाकी अभी जल्दी से चलते हैं अपने फार्म पे, मैं आपको फार्म भी दिखाऊंगा, ओनियन का है पूरा, मतलब अभी तो छोटी छोटी है, इतनी खाने लायक नहीं बनी है। तो अभी फिलहाल आए अपने रिलेटिव के घर, और ये भैया है वो जो अपने घर की चाबी भूल गए लाना, तो अभी ऐसे ही नए कपड़ों में फार्म पे जाएंगे हम, भले ही गंदे हो भाई धो डालेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अभी मैंने आपको अभी जैसे मैंने वीडियो में पहले स्टार्टिंग में बताया था थोड़ी देर पहले, जस्ट कि हम अपने फार्म पे आएंगे, ओनियन का फार्म लगा हुआ है, ये देखो जो आपको दिख रहा है छोटा छोटा, अभी तो फिलहाल छोटा छोटा सा ही है ओनियन, मतलब इतना खाने लायक अभी नहीं बना है, जो बड़ा आता है वैसे टाइप का भी नहीं बना है। और मैं फार्म में आया तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली, जो कोई बड़ा सा सांप होता है और उसका जो नया स्किन आता है उसके ऊपर, तब वो पुराने वाला स्किन निकाल देता है, अपने ऊपर से रिमूव कर देता है, तो मुझे दिख रहा है, तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, आप जस्ट देखो कैसी होती है वो, ये चेक करो, मतलब ये इलेक्ट्रिक का खंभा है, जैसे अहमदाबाद गांधीनगर में अंडरग्राउंड लाइन होती है इलेक्ट्रिक की, लेकिन हमारे यहाँ पोरबंदर में ऐसा नहीं है। ये देखो यहाँ लिखा है PGVCL, आपको शायद आई थिंक थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा,
तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये मतलब सांप की है, जो ऊपर का डेड लेयर होता है वो मतलब पुराना वाला निकाल देता है, जब उस पे ऊपर नया वाला आ जाता है तो वो कुछ ऐसी टाइप का करते हैं। बाकी ये अभी जो पीछे लगा है मैं आपको फ्रंट कैमरे से ही दिखाता हूँ, देखो ये जो है अभी ये मतलब अभी गेहूं के क्रॉप्स लगे हुए हैं फार्म में, ये मतलब ये फार्म है वो गेहूं का है, फिर ये है ये हमारा वाला है ऑनियन का, और उसके आगे वाला ये है वो भी फिर से गेहूं का ही फार्म है। तो मतलब पहले स्टार्टिंग में जब होते हैं, जब इसको बोते हैं अपने फार्म में लगाते हैं बीज, तो स्टार्टिंग में तो सब भाई क्रॉप्स एक जैसे ही लगते हैं ग्रीन ग्रीन, फिर ये थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, हम इसमें पानी वगैरह डालते हैं, इसकी केयर करते हैं, इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं भाई, तब जाके ये थोड़े बहुत ग्रो होते हैं, फिर इसका जो ओरिजिनल रूप आता है ओरिजिनल अवतार वो ये धारण करते हैं, फिर ये गेहूं है वो गेहूं टाइप के लगते हैं, फिर ओनियन है वो ओनियन टाइप की लगती है। तो ऐसा बहुत अपीयरेंस में चेंज आफ्टर टाइम में आता है, पहले सारे के खेत एक जैसे ही ग्रीनरीज जैसे लगते हैं, मतलब कि सारे बिल्कुल ही ग्रीन लगते हैं। तो अभी हमने खेत में पानी भी स्टार्ट कर दिया है, पानी भी मतलब बहुत ही दूर से आ रहा है पाइपलाइन के द्वारा, और पाइपलाइन भी अंडरग्राउंड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये अभी पानी आ रहा है यहाँ से, तो इसको हम गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं धोरिया। तीन टाइप से हम अपने खेत में पानी को ला सकते हैं, एक टपक पद्धति होती है, एक ये धोरिया पियत पद्धति होती है, और एक कुछ फाउंटेन वगैरह लगाते हैं, तीन टाइप होते हैं पानी लगाने के अपने खेत में। तो ये ज़्यादातर यही यूज़ होता है गुजरात में, ये वाला आई थिंक। तो अभी पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा, लेकिन खेत बहुत ही सारा है और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी खेत है, तो सारे खेत में अभी ऑनियन को हम पानी देंगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आई थिंक शाम भी हो जाएंगी, तो हम आपसे सीधा मिलेंगे शाम के टाइम में, और शाम के टाइम में भी हम शादी में जाने वाले हैं कज़िन की, तो वो भी मैं वीडियो में इंक्लूड करूँगा। बाकी थोड़े बहुत व्लॉग्स है जो लेट हो जाएंगे अपलोड करने में, तो चला लेना फिलहाल, क्योंकि मेरे पास वाईफाई का कोई जुगाड़ नहीं है मेरे घर पे, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधा शाम के टाइम पे और शादी के टाइम पे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।